हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड ऑबिन। आज के मैं इस वीडियो में कॉन्जेंट की तरफ से अपडेट लेके आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, प्लस आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके जितने हायरिंग से रिलेटेड जितने डाउट है, चाहे वो प्री ज्वाइनिंग मेल से रिलेटेड हो एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल से रिलेटेड हो, आपके CTS, TR और HR रिजल्ट राउंड से रिलेटेड हो, सारे क्वेरीज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड ये जो वीडियो है, इसे बनाने में बहुत टाइम लगा है गाइज, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। मैं आप लोग के साइड से एक अच्छा रिस्पांस चाहता हूँ। ओके, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है कॉन्जेंट की तरफ से, ये यही है कि CTS वर्क फ्रॉम होम ओनली फॉर फर्स्ट 15 डेज। सो ओनली फॉर फर्स्ट 15 डेज आपका वर्क फ्रॉम होम है, वर्चुअली है। आफ्टर दैट आपको लोकेशन पे जाना होगा, ऑफलाइन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सो 15 डेज बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, वो ऑफलाइन होगी। सो इन डिटेल इस पर क्या है अपडेट देखेंगे। सो कल वाले वीडियो में मैंने बोला था, गुड न्यूज़ था फॉर ऑल ऑफ यू, CTS वर्चुअल ऑनबोर्डिंग। सो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग वो करा रही है वर्क फ्रॉम होम ओनली, बट ओनली फॉर फर्स्ट 15 डेज, नॉट फॉर लाइक 2 to 3 months, जब तक लाइक कोविड सिचुएशन ठीक नहीं हो जाता, या फिर जब तक अभी बाकी कंपनी का जैसे चल रहा है कि जनवरी दिसंबर ऐसे तक, तो अभी फरवरी तक तो अभी कोई अपडेट नहीं आया वैसा, ठीक है। फिर देखेंगे कि इसमें कि एक और बिग अपडेट है आप लोग के स्टूडेंट के लिए, बिग ऑफिशियल अपडेट आ रही है। यू कैन चूज योर ऑन लोकेशन। ऑन लोकेशन मीन्स कि आपका जो प्रिफरेंस लोकेशन था वो आप चूज कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को प्रिफरेंस लोकेशन नहीं मिला है तो वो मैं बताऊंगा प्रोसेस क्या है उसे चेंज करने का, एंड आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी ले सकते हो। सो वो भी मैं बताऊंगा क्या उसके लाइक प्रोसेस है आपका चेंज करने का, डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसी स्टूडेंट को एक्सटेंड करना है या फिर उनका कोई भी रीजन है तो वो मैं बताऊंगा। कैन CTS स्टार्ट सेंडिंग रिजेक्शन मेल, तो ये बिग अपडेट है। CTS रिजेक्शन मेल सेंड करना स्टार्ट कर दिया है, भेजना स्टार्ट कर दिया है, तो कौन से राउंड के बाद रिजेक्शन मेल आया है स्टूडेंट को, वो ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग को मैं दिखाऊंगा रिजेक्शन मेल। ओके, सो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, सारे डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर करूंगा, जितने भी कॉन्जेंट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है। ओके, सो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, एक भी सेकेंड मिस नहीं करना है। ओके, तो आप लोग को कंप्लीट ये वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो फिर आप लोग के डाउट रह जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑल कॉग्निजेंट अपडेट्स रिगार्डिंग ज्वाइनिंग एंड आपके जो भी इंटरव्यू प्रोसेस है, सब कुछ सारे डाउट इसमें आपके कवर कर देंगे। सो कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिया ऊपर में ही, बट यहाँ पे एक बार फिर से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो पहले दे देते हैं, उसके बाद क्वेरीज सॉल्व करेंगे। तो इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि फर्स्ट बैच आज ज्वाइंड हो गया है। ओके, सो 2nd of December 2021 आज फर्स्ट बैच ज्वाइनिंग था, तो उसका ज्वाइंड हो गया है, वर्चुअली ज्वाइंड हुआ है। ओके, सो फर्स्ट डे एंड सेकेंड में क्या होना था वो ऑलरेडी मैं कल बता दिया हूँ। तो जो स्टूडेंट का 7th of December का ज्वाइनिंग है, उनको मालूम नहीं है कि फर्स्ट और सेकेंड डे क्या होता है कॉग्निजेंट में, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड डे कॉग्निजेंट में क्या होगा वर्चुअली ज्वाइनिंग में। सो डे 1 and day 2 में ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज होता है। ओके, एंड इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फर्स्ट 15 डेज में आपका क्या होने वाला है। सो फर्स्ट 15 डेज जो आपका वर्चुअली है, वर्क फ्रॉम होम है ओनली, वो फर्स्ट 15 डेज आपका क्या होने वाला है। सो डे 1 and day 2 में ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज आपसे कराए जाएंगे। आफ्टर 4 to 5 डेज आपका एसिमिलेशन टेस्ट होगा। सो ये टेस्ट क्या है, कैसे इसे क्रैक करना है, अगर फेल कर जाते हैं इस टेस्ट में तो क्या होगा, तो ये टेस्ट पे वीडियो आपको चैनल पे बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सो विद इन 2 to 3 डेज में, या फिर मैं ट्राई करूंगा कि और जल्दी आप लोग को अपलोड कर दूं विथ फुल डिटेल के साथ। ओके, सो आई विल अपलोड वीडियो ऑन दिस वेरी सून। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसिमिलेशन टेस्ट आप लोग के लिए, एंड ये टेस्ट होता है 4 से 5 दिन बाद आपके ज्वाइनिंग के, एंड उसका रिजल्ट आता है 2 दिन बाद। रिजल्ट आने के बाद 10 दिन या 1 वीक बाद आपका डोमेन डिसाइड होता है एंड बैच डिवीजन होता है। सो बैच डिवीजन एंड डोमेन डिसाइड होता है किस ट्रेनिंग में, किस डोमेन पे आपको ट्रेनिंग मिलेगा 1 वीक बाद, एंड उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। सो ज्वाइनिंग डे से 15 डेज बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो जो ज्वाइनिंग डे है एंड 15 डेज है, वो 15 डेज आपका वर्चुअली है, वर्क फ्रॉम होम ओनली। उसके बाद वो लोग बोले हैं कि ट्रेनिंग हम लोग वर्चुअली नहीं देंगे, नहीं कराएंगे, ट्रेनिंग हम लोग ऑफलाइन कराएंगे, जो भी आपका लोकेशन है वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा एज फॉर नाउ। ऑफिशियल अपडेट एज फॉर टूडे।
ओके एज फॉर टुडे ऑफिशियल अपडेट, ये मे भी चेंज हो सकता है, अपडेट हो सकता है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपको जो भी अपडेट आएगा दे देंगे। सो क्वेरीज पे आ जाते हैं। ओके फर्स्ट जो क्वेरीज है, फर्स्ट जो डाउट है स्टूडेंट का, सबसे फेमस डाउट, ये उतना डाउट नहीं है, सेकेंड वाला क्वेरीज सबसे ज्यादा डाउट है। सो फर्स्ट जो डाउट है, नॉट रिसीव्ड वर्चुअल ऑनबोर्डिंग पास डे वन स्टिल शोइंग येट टू स्टार्ट। सो जो स्टूडेंट ने डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मेल आ गई है, उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं, बट उनको वर्चुअल ऑनबोर्डिंग पास जनरेट नहीं हुआ है, डे वन का जो कॉलम है वो स्टिल शोइंग येट टू स्टार्ट, वो कंप्लीटेड नहीं हुआ है। येट टू स्टार्ट मतलब वर्चुअल ऑनबोर्डिंग पास जनरेट नहीं हुआ है। ओके सो ये जो आपका वर्चुअल ऑनबोर्डिंग पास जनरेट होगा वो बिफोर 3 डे ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये बिफोर 3 डे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका जनरेट होगा, बिफोर 3 डे। सो जैसे आपका अगर ज्वाइनिंग डेट 7 दिसंबर है, सो आपका बाई 4 दिसंबर आपका जनरेट हो जाएगा। अगर आपका ज्वाइनिंग डेट 16 दिसंबर है तो 13 दिसंबर तक आपका जनरेट हो जाएगा। ओके तो आप लोग ये रिलैक्स हो जाओ। सेकेंड डाउट, जो सबसे फेमस डाउट है, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी इज डन बट नॉट शोइंग टू कंप्लीटेड एंड ऑल्सो नॉट रिसीव्ड डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल। सो प्री ज्वाइनिंग जिनका कंप्लीट हो गया है, लेकिन कंप्लीटेड शो नहीं कर रहा है एंड उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल भी नहीं आया है। तो गाइज ऐसा है कि वेट फॉर 3 to 5 डेज जनरली फॉर डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल। जैसे ही आपका 17 स्टेप कंप्लीट हो जाता है प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज का, उसके 3 से 5 दिन तक आपको वेट करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल के लिए, जनरली जो स्टूडेंट को आ रहा है। बट अगर आपको 3 से 5 दिन में नहीं आता है तो आप 8 से 10 दिन तक वेट कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप क्वेरी राइज कर सकते हो। एंड एक और मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा, आप एक मेल कर सकते हो, वो मेल आईडी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। सो ये तो हो गया, तो क्लियर है गाइज, आप लोग जस्ट यहाँ पे देख लो, क्लियर मैंने बता दिया है कि आपको 3 to 5 डेज जनरली हो जाता है अगर नहीं। और कंप्लीटेड का जो बात है, सो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल आपको आएगा उसे आपको एक्सेप्ट करना होता है। सो उसके एक्सेप्ट करने के बाद ही वो कंप्लीटेड शो होगा। प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जो कंप्लीटेड शो होता है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सेप्ट करने के बाद होता है। ओके क्लियर। थर्ड वन, इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यस यस राइट ए मेल टू, इस मेल आईडी पे आपको मेल लिखना है कि आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंड करना है। फर्स्ट रीजन, अगर आप किसी कंपनी का नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो आपको मिल जाएगा, गुड चांस, 100% चांस। अगर आपका कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम है, 100% चांस आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपका कोई पर्सनल रीजन है, इन केस ऑल्सो 80 to 90% चांस अगर आपका हो जाएगा। अगर कोई रीजन नहीं है, आपको ऐसे मन से ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सटेंड करना है, तो मे बी नहीं हो, 50-50 चांस। इट इज पॉसिबल टू चेंज लोकेशन। यस 100%, अगर आपका प्रिफरेंस लोकेशन आपको नहीं मिला है तो आप मेल कर दो, आपका लोकेशन चेंज हो जाएगा। अगर आपका जो प्रिफरेंस लोकेशन है, अगर आपने प्रिफरेंस लोकेशन पहले बैंगलोर दिया था बट अभी आपको प्रिफरेंस लोकेशन पुणे चाहिए, आपसे कोई गलती हो गया था या आप लोकेशन चेंज करना चाहते हो, आप मेल कर दो, आपका लोकेशन चेंज हो जाएगा। ये सब ऑफिशियल अपडेट है। फिफ्थ वन, इफ यू हैव स्टिल एनी इशूज टू कंप्लीटिंग बिजी बी और प्री ज्वाइनिंग 17 स्टेप, प्लीज वॉच आवर वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अभी भी किसी स्टूडेंट का बिजी भी कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर प्री ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है 17 स्टेप्स, तो आपको हमारा वीडियो रेफर करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो हर एक वीडियो के लिए, हर एक स्टेप्स के लिए मैंने वीडियो बनाया है इन डिटेल, पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, तो आप लोग को वो वीडियो देखना चाहिए, आप लोग को कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई इश्यूज आते हैं उसके अलावा भी आपको वीडियो देखने के बाद, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। 6-1, नॉट शोइंग कॉलेज नेम, पुट यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम में भी यूनिवर्सिटी नेम लिख सकते हो। रिजेक्ट माई बिजी बी प्री ज्वाइनिंग फ्यू स्टेप, फिल इट अगेन विथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, इट्स ओके। सो किसी स्टूडेंट का अगर बिजी बी में कोई कॉलम रिजेक्ट हो जा रहा है या प्री ज्वाइनिंग का कोई भी स्टेप रिजेक्ट हो जा रहा है, वो फिर से बोल रहे हैं वो चीज़ लाइक अपडेट करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए, तो आप उसे कर सकते हो अपडेट, कोई बात नहीं है, ये सारे स्टूडेंट का होता है। वो आप फिर से कर सकते हो। एंड आप अगर कैंपस एफिडेविट वगैरह से रिलेटेड किसी को डाउट है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो आपका क्लियर हो जाएगा वो भी डाउट। 8-1, आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑफर नो ऑप्शन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड और आफ्टर कंप्लीटेड बिजी बी नॉट शोइंग प्री ज्वाइनिंग 17 स्टेप। सो ये सब के लिए क्या है कि इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट आफ्टर 1 to 3 डेज। ओके अगर आपका ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है तो आपको क्वेरी राइज करना है, इफ नॉट राइज ए क्वेरी, तो अगर आप क्वेरी राइज नहीं करते हो तो आप मेल भी इस पर कर सकते हो। ओके
एंड क्वेरी राइज करने का अगर जवाब नहीं मिला है तो आप मेल भी कर सकते हो, वो लोग अपडेट कर देंगे गाइस। ओके, सो ये कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑफर नो ऑप्शन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड और आफ्टर कंप्लीटिंग बिजी भी नॉट शोइंग प्री ज्वाइनिंग 17 स्टेप, तो ये आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, या फिर आप मेल कर दो आपका ठीक हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। रिसीव्ड ऑफर लेटर ओनली नॉट प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज मेल, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ऑफर लेटर आप लोग को आ गया है और प्री ज्वाइनिंग मेल नहीं आएगा है, तो आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कैसे करोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेल करना है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है सेम डे तो आप नेक्स्ट डे मेल करो, नेक्स्ट डे भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप उसके नेक्स्ट डे मेल करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 10th one, व्हाट आर द अपडेट्स ऑन 16th, 20th नवंबर इंटरव्यू स्टूडेंट बोर्ड आफ्टर TR NHR? सो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, लाइक 16 और 20 के बीच में जो TR और HR दिए है उनका क्या अपडेट है, बहुत सारे स्टूडेंट को अपडेट नहीं आया। तो गाइज एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हमेशा मैं क्लियर किया हूं, दोज हु डन विद HR राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेफिनेटली दे विल रिसीव ऑफर मेल। सो उनको ऑफर मेल आएगा ही, उनका सुपरसेट स्टेटस ऑफर्ड होगा ही। ओके, सो आप लोग वेट कर सकते हो। जनरली आफ्टर 5 to 7 days स्टूडेंट को आता है ऑफर मेल या फिर उनका स्टेटस ऑफर्ड होता है। ओके, सो आफ्टर 5 to 7 days बाद उनका ऑफर स्टेटस होता है, उसके 5 to 7 days बाद आपको ऑफर मेल आता है, ऐसे चलता है, ये प्रोसेस है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट ऑल्सो टिल 2 to 3 weeks, 2 से 3 week तक भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो गाइज, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में उन लोग को ऑनबोर्ड कराना था तो वो लोग जल्दी जल्दी सेंड कर दिए, बट अभी क्या है गाइज, अभी 3-4 batch ऑलरेडी बन चुके हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, तो अब वो लोग थोड़ा धीरे धीरे करेंगे ना, एक बार रस में सब कुछ नहीं होता है ना, उन लोग को ट्रैफिक का मतलब पूरा सब कुछ का बैच वाइज उन लोग को सब कुछ का टेक केयर करना पड़ता है। तो आप लोग जस्ट आप लोग पैनिक मत करो, जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनको ऑफर मेल जरूर आएगा। नेक्स्ट वन, दे सेंड ऑफर लेटर इन बैच स्लॉट वाइज, सो या सो दे कैन सेंड ऑफर लेटर इन बैच स्लॉट वाइज, सो दे कैन रिड्यूस ट्रैफिक ऑन वन कैंपस पोर्टल। वन कैंपस पोर्टल पे फिर बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत इश्यूज आ जाते हैं, ये वन कैंपस पोर्टल का इशू नहीं है, आप विप्रो का देख लो, विप्रो का तो कुछ भी नहीं काम कर रहा है, उनका बिजी भी तो कितना स्टूडेंट का पेंडिंग है। आप TCS का देख लो, TCS में भी बहुत सर्वर इशूज रहते हैं, फिर भी TCS का कम रहता है, सारे पोर्टल का सेम इशूज है, तो आपको थोड़ा समझना चाहिए, आपको वेट करना है। नेक्स्ट या सो कौन से क्वेश्चन पे थे, 10 व्हाट आर द अपडेट्स ऑन, सो ये हो गया। सो ये TR का मैं बताया हूँ, TR का बताया हूँ कि HR का बताया हूँ, सॉरी HR जिनका हो गया है वो ऐसे करे, एंड दे सेंड ऑफर लेटर इन बैच स्लॉट वाइज, सो दे कैन रिड्यूस ट्रैफिक ऑन वन कैंपस पोर्टल। सो ये HR वाले का है, जो भी HR राउंड दिए उनका मैं बता दिया, अब TR वाले का क्या स्टेटस है। ओके, सो TR वाले का स्टेटस देख लेते हैं, दोज हु डन विद TR ओनली दे कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट HR मेल टिल 2 to 3 weeks। सो आप लोग भी 2 to 3 weeks तक HR मेल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है गाइज जो TR दे दिए वो उनको लग रहा है कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, मेरे को HR मेल नहीं आया, 1 से 3 दिन में तो मैं रिजेक्ट हो गया। नो गाइज, ऐसा नहीं है, यस जनरली 1 से 3 दिन में HR मेल आ जाता है, सारे स्टूडेंट को 1 से 3 दिन 2 दिन के बीच में ही HR मेल आया था, बट जिसको नहीं आया HR मेल वो 2 से 3 weeks तक भी वेट कर सकते हैं, स्टूडेंट को आए हैं आफ्टर 2 weeks, मैं इस वीडियो में प्रूफ दूंगा, I will show you, and TR on 17th November and HR on 2 December. Yes guys, एक student, एक viewer है मेरा, उनका TR 17th November को हुआ है and HR आज हुआ है 2 December को, तो आप लोगों को दिखाई देता हूँ। ओके, सो मेरे को उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ा, यहाँ पे देख लेते हैं। आई अटेंडेड टेक्निकल इंटरव्यू विथ कॉन्ग्रेजेंट ऑन 17th November, इज इट HR राउंड और टेक्निकल अगेन? सो इनका स्क्रीनशॉट है ऊपर मेल का, इंटरव्यू मेल का, तो वही बोल रहा है कि अब ये HR राउंड है या टेक्निकल फिर से है, क्योंकि मेल में तो गाइज बस इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं, वो ये नहीं लिखते कि टेक्निकल या HR है, तो अगर आप पहले टेक्निकल दे दियो तो नेक्स्ट राउंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन HR राउंड ही होगा, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद डैट? तो मैंने उसे रिप्लाई किया, HR है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑल्सो कन्फर्म मी आफ्टर इंटरव्यू। ये कल रात का मैसेज है, कल इवनिंग का है, फिर ये ओके, एंड 2 दिसंबर का ये उसका रिप्लाई है, आज उसका HR राउंड हो गया है, इट वाज HR राउंड लाइक यू टोल्ड, थैंक्स। ओके, सो ये कंफर्म आप लोग को हो गया, 17 नवंबर को इनका TR हुआ है एंड इनका HR 2 दिसंबर को हुआ है। ओके, सो आप लोग को वेट करना है, अगर किसी स्टूडेंट का TR हो गया है एंड वो उनको वेट करना है, चाहे वो किसी भी दिन TR दियो, ये कोई जरूरी नहीं है 17 नवंबर वाले स्टूडेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर आप 8 नवंबर से लेके अभी तक 1 दिसंबर तक अगर आप दिए हो TR तो आपको वेट करना है।
व्हाट आर द अपडेट्स ऑन 22nd टू 30th नवंबर इंटरव्यू स्टूडेंट बोथ आफ्टर टीआर एंड एचआर सेम एवव आंसर. सो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस कि कोई डेट वाइज कुछ ऐसा हायरिंग हो रहा है, कोई पार्टिकुलर डेट के लिए कुछ स्पेशल अपडेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सेम एवव आंसर, जो प्रोसीजर है, जो हायरिंग का प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वही फॉलो करते हैं कॉन्ग्रेंट टीम. ओके, उसमें थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं है. तो जो मैंने ऊपर जो भी मैंने बताया, अपडेट दिया, प्रोसेस बताया, वही प्रोसेस इसके लिए भी है. 13th क्वेश्चन, सो आफ्टर स्टेटस ऑफर्ड इन सुपर सेट डेफिनेटली यू विल गेट ऑफर मेल. सो अगर किसी स्टूडेंट का ऑफर्ड हो गया है सुपर सेट तो आप लोग को ऑफर मेल आएगा ही गाइज. मैं वही बोल रहा हूँ कि आप वेट करो, जनरली 5 to 7 days लगते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 weeks आफ्टर ऑल्सो, बिकॉज वो वन बाई वन बैच वाइज सब कुछ करते हुए, एंड दे ऑल्सो गिव प्रायोरिटी टू प्रिफरेंस ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स. प्रिफरेंस ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट, सो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो पूछते हैं आपका आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है प्रिफरेंस. तो अगर आप फर्स्ट वीक मिड ऑफ दिसंबर बोले रहे होंगे तो आपको पहले आएगा. जो स्टूडेंट जनवरी बोले होंगे या जो स्टूडेंट को इंटरव्यू जनवरी बोला होगा कि आपको जनवरी में ज्वाइनिंग मिलेगा, तो उनको तो थोड़ा लेट से आएंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग डेट ऑफर लेटर आप लोग को सेंड करते हैं, ऑफर मेल आपको उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग को मिलते हैं. तो वो सब भी आप लोग को ध्यान रखना होगा, टेक केयर करना होगा. ओके, एंड जिनका अप्लाइड ही अभी तक शो कर रहा है सुपर सेट एचआर राउंड के बाद, उनको भी वेट करना चाहिए. ओके, 1 week आपको वेट करना चाहिए. जब भी आपका एचआर राउंड हुआ है उसके 7 to 10 days तक आपको वेट करना है ऑफर्ड स्टेटस के लिए. एज ऑफ नाउ जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 2 दिसंबर है, 7 दिसंबर है, 2 दिसंबर का तो हो गया है, उसके बाद 16 दिसंबर है. अब जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग डेट मिल रहा है स्टूडेंट को वो 28th ऑफ दिसंबर मिल रहा है. तो आप ये लोग कंफर्म कर लो, जिसको भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी 16 दिसंबर तक मिल गया है, आप जो जिसको मिलेगा वो 28th ऑफ दिसंबर को मिल रहा है. तो नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 28th दिसंबर है, इसके बाद आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी होगा. 13-1, ओके, सो 13-1 ऊपर ही था, एंड दिस वन इज 14-1. ओके, सो 14 क्वेश्चन, आफ्टर एच आर राउंड नो रिजेक्शन. सो ये कन्फर्म मैं कर रहा हूँ, आफ्टर एच आर राउंड कोई भी रिजेक्शन नहीं है, एंड आफ्टर टी आर राउंड यस देयर इज रिजेक्शन. आफ्टर टी आर राउंड आपका रिजेक्शन है, एंड कॉन्ग्रेजेंट हैज स्टार्ट सेंडिंग रिजेक्शन मेल. कॉन्ग्रेजेंट ने रिजेक्शन मेल भी स्टार्ट कर दिया है सेंड करना. किस स्टूडेंट को रिजेक्शन आया है, 12 नवंबर को टी आर दिए थे, एंड 30 नवंबर को इनको रिजेक्शन मिला है. 2 दिन पहले ही उनका मेल आ गया था, बट मैं कॉन्ग्रेजेंट का वीडियो नहीं अपडेट कर रहा था, सो इसके लिए डिले हो गया, सॉरी गाइज. सो 12 नवंबर को ही टी आर हुआ था, एंड 30 नवंबर को रिजेक्शन मेल आ गया है उनको. आफ्टर टी आर यू कैन एक्सपेक्ट एच आर मेल टिल रिजेक्शन मेल. सो इस बार टी आर के बाद एच आर जो मेल आ रहा है वो 2 week बाद भी आ रहा है, जैसे ऊपर वाले कैंडिडेट का देखे. तो आप लोग रिजेक्शन मेल तक आप लोग होप रख सकते हो एच आर के लिए. एंड जो लास्ट हायरिंग था उसमें सारे स्टूडेंट को 10 to 12 days बाद ही एच आर मेल आया था, इसी बार वो लोग एच आर मेल 1 से 2 दिन 3 दिन बाद भेज रहे हैं. ओके, सो ये सारे अपडेट थे एच आर मेल. एक बार आप लोग को मैं रिजेक्शन मेल एक बार मैं आप लोग को दिखा दूं. कॉन्ग्रेजेंट 2021 कैंपस जेएनसी डेवलपर इंटरव्यू स्टेटस. या सो या मैं थोड़ा रीड कर देता हूँ जूम करके. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू अप्लाई फॉर कॉन्ग्रेजेंट जेएनसी डेवलपर ऑफ कैंपस 2021. योर इंटरव्यू प्रोसेस फॉर द सेम हैज बीन कंप्लीटेड. वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू डिड नॉट क्लियर द इंटरव्यू राउंड, हिंस वी वॉन्ट बी प्रोसीडिंग विथ योर एप्लीकेशन दिस टाइम. ओके, सो ये रहा उनका रिजेक्शन मेल. सो गाइज आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गएंगे, सारे पॉइंट मैंने कवर किया है. गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, आगे अपडेट के लिए. सो बहुत जल्द मैं आप लोग को अपडेट दूंगा. अभी भी कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई यू, रिप्लाई मैं जरूर दूंगा. एंड या थैंक यू, ऑल द बेस्ट.